राहुल गांधी आजकल अपनी रैलियों में अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। प्रियंका वाड्रा भी बीच बीच में अर्थव्यवस्था को लेकर ट्वीट करती हैं। सालों बाद अचानक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले अभिजीत बनर्जी इंटरव्यू देने लगते हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और आंध्र प्रदेश सरकार के पूर्व सलाहकार पराकला प्रभाकर अखबार में आर्टिकल लिखते हैं और सबके निशाने पर अर्थव्यवस्था है। आखिर ये सब संयोग है या फिर कांग्रेस की चुनावी चाल? बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष इसे कांग्रेस का चुनावी खेल मानते हैं। बीएल संतोष ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव करीब आते ही इकोसिस्टम काम करने लगा है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में मतदान की तारीखें नजदीक आते ही फिर से इकोसिस्टम काम करने लग गया है। मनमोहन सिंह प्रेस को संबोधित करेंगे। अभिजीत बनर्जी ने भी इंटरव्यू देना शुरू कर दिया है और इतने वर्षों के बाद अचानक पराकला प्रभाकर भी बाहर निकलते हैं। 5 दिन की प्रसिद्धि के लिए इन सभी का स्वागत करें। हाल ही में निर्मला सीतारमण के पति पी प्रभाकर ने एक लेख लिखकर देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि सरकार भले ही इससे इनकार करे, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि कई सेक्टर संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि बीजेपी नेहरू मॉडल से इनकार करती है, लेकिन इसके अलावा कोई ठोस विकल्प भी नहीं है।